हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम कश्मीरी पनीर चमन बनाएंगे। सबसे पहले पनीर चमन बनाने के लिए एक पैन में करीब 2 कप दूध को उबाल लेंगे। अब इसे अच्छे से उबलने देंगे। जब दूध में से धुआं आ जाए तब उसमें 20 से 25 केसर के रेशे डालेंगे और चला लेंगे। अब इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, दूध अच्छे से उबल चुका है और हल्का गाढ़ा भी हो चुका है। जब दूध के चारों तरफ मलाई जम जाए तब इसकी गैस बंद कर देंगे। अब हम इस दूध को कटे हुए पनीर के ऊपर डाल लेंगे। हमने दूध को पनीर में इसलिए डाला है ताकि दूध का फ्लेवर पनीर में अच्छे से आ जाए। 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। जब तक दूध का फ्लेवर पनीर में आ रहा है तब तक हम एक पैन में 2 चम्मच घी, 1 तेज पत्ता, 5 से 6 साबुत काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, 3 से 4 इलायची डालकर थोड़ा सा चला लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, 1 चम्मच सॉल्ट पाउडर डालकर सारे मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें काजू का पेस्ट डालेंगे। इसके लिए हमने पहले ही काजू को भिगोकर दूध के साथ पेस्ट बना लिया था। और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें दूध को डालते हुए सारे पेस्ट को अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रहे, हमें काजू के पेस्ट को दूध में अच्छे से मसलना है ताकि इसमें कोई ढेले ना रह जाए। अब इसे थोड़ा उबलने देंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर मिला लेंगे। देखिए, ये हल्का गाढ़ा हो चुका है।
अब इसमें पनीर को डाल देंगे। और अच्छे से मिला लेंगे। पनीर के डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लेंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। देखिए ये उबल चुका है, अब गैस बंद कर देंगे। अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। कश्मीरी पनीर चमन बनकर तैयार है। आप इसे रोटी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।